हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कल मल्टीप्लेक्सर का एक क्वेश्चन कराया था, तो हम ये करते हैं। देखिए, इसमें क्या है, जैसे पहले तो हम एक डायग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, जीरो, वन, टू, थ्री, ठीक है, यहाँ पे है। अब मान लो ये सेलेक्ट लाइंस आपकी ए बी दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें। देखो, आई थ्री ए बी प्लस आई टू। देखो यहाँ पे क्या है, ये जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, तो ये क्या हुआ, जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आई थ्री ए बी हो गया प्लस आई टू ए बी बार हो गया, ठीक है, प्लस आई वन ए बार बी हो गया एंड प्लस आई जीरो ए बार बी बार हो गया, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, हमें इसमें एक सी बी, ये सी मल्टीप्लाई हो रहा है, अब हमें यहाँ देखना है। यहाँ हो गया सी प्लस डी, ये और गेट है, यहाँ है सी बार, तो ये हो जाएगा आपका आई थ्री की जगह यहाँ पे क्या है, सी है, तो ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस डी, ठीक है, प्लस ए बार बी डी प्लस ए बार बी बार सी बार, ठीक है। अब इसमें आप देखो, ये क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी बार डी प्लस ए बार बी डी एंड प्लस ए बार बी बार सी बार, ये हो गया। अब उस केस में यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी, देखो बी प्लस बी बार वन, तो ए सी आ गया, प्लस यहाँ पे और हम क्या देख सकते हैं, ए बी बार डी प्लस ए बार बी डी प्लस ए बार बी बार सी बार, तो यहाँ पे आंसर कहाँ पे मैच कर रहा है, ये तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ इनपुट रेजिस्टेंस एट रेजोनेंस इज। देखिए इस क्वेश्चन में पहले तो आप ये देखिए, एक पैरेलल सर्किट है, तो हमें इसमें एडमिटेंस निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1/10, ओके, देन प्लस जे ओमेगा सी, ये सी है, तो ये वैसे 1/XC होता है, तो ये हो जाएगा 0.1, प्लस ये हो जाएगा 1/2 प्लस जे ओमेगा 2, ठीक है, 1/10 प्लस जे ओमेगा इंटू 0.1, ठीक है, प्लस 2 माइनस जे ओमेगा 2 बाई 2 प्लस जे ओमेगा 2, 2 माइनस जे ओमेगा 2, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा इधर। यहाँ पे इसका रियल पार्ट अलग कर दो, तो 2 बाई 4 माइनस 4 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस जे ओमेगा 0.1 0.1, ठीक है, एंड माइनस 2 ओमेगा बाय 4 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, रेजोनेंस में यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं इधर लिख देती हूँ। अब ये आपका ये पार्ट आ गया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चलिए इधर, एट रेजोनेंस आपका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो दैट मींस 0.1 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा बाई 4 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ओमेगा की वैल्यू 2 आएगी, राइट, 2 रेडियन पर सेकेंड। तो वैल्यू ऑफ एडमिटेंस क्या है, ये हो जाएगी 1/10 प्लस 2 बाई 4 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू 1/10 प्लस 2 बाई 4 प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है, तो ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 साइमंस, 0.2 साइमंस, तो R की वैल्यू कितनी होगी, 1/G, तो 1/0.2, दैट मींस 5 ओम्स, तो आंसर क्या आएगा, 5 ओम्स। क्वेश्चन समझ में आया, क्या किया है हमने, पैरेलल में एडमिटेंस निकाला, इमेजिनरी पार्ट को हमने 0 किया, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली, ठीक है, 0.1 ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा बाई 4 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 ओमेगा प्लस 0.4 ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 2 ओमेगा, तो 0.4 ओमेगा क्यूब
एंड इज इक्वल टू 2 माइनस 0.4 कितना हो जाएगा, 1.6 होगा ना, 2 माइनस 0.4 0.6, 1.6 ओमेगा. तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ओमेगा की वैल्यू 2, तो 2 रेडियन पर सेकेंड. फिर यहाँ पे इस रियल पार्ट में हम ओमेगा की वैल्यू रखेंगे, फिर ये एडमिटेंस हो जाएगा, फिर 5 ओम हो जाएगा. तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है? तो ये दो क्वेश्चन करा रही हूँ, टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच.